प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स के बारे में। डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स में आज हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ बट जॉइंट। बट जॉइंट की डिज़ाइनिंग करनी है जिसमें कि दो प्लेटें एक दूसरे के सामने टक्कर में हो, तो उसकी डिज़ाइनिंग हम कैसे करें। डिज़ाइन ऑफ बट जॉइंट में द बट जॉइंट्स आर डिज़ाइन फॉर टेंशन एंड कंप्रेशन। यह बट जॉइंट जो है टेंशन, तनाव या संपीड़न बल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इस फिगर एक में दो प्लेटें, एक प्लेट यह है टी थिकनेस की और दूसरी प्लेट यह है टी थिकनेस की। इन दोनों प्लेटों को आमने सामने टक्कर जोड़ में रख करके और इसको वेल्ड किया जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको कुछ टेप, इससे टेपर दिया हुआ है, वी टेपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको वी जॉइंट बोलेंगे। तो दिस इज सिंगल वी बट जॉइंट। और या यदि ये स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर जॉइंट भी बोल सकते हैं। यदि ये टेपर ना हो तो ये वी शेप यदि नहीं होगी तो ये स्क्वायर जॉइंट होगा। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट। बट जॉइंट की स्ट्रेंथ, इस सिंगल वी बट जॉइंट की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। नाउ कंसीडर ए सिंगल वी बट जॉइंट। अब ये सिंगल वी बट जॉइंट है, इसको हम कंसीडर करते हैं फॉर ए टेंशन। इस पर टेंसाइल लोड पी लग रहा है, तो यहाँ इसकी डिजाइनिंग करनी है एज शोन इन फिगर वन। इन बट जॉइंट लेंथ ऑफ लेग और साइज ऑफ वेल्ड, ये जो वेल्ड का साइज है, दिस विल बी इक्वल टू थ्रॉट थिकनेस। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो थिकनेस है ये थ्रॉट थिकनेस कहलाएगी। ये थ्रॉट थिकनेस जो है वो थिकनेस ऑफ प्लेट के बराबर होती है। ये जो प्लेट की थिकनेस है उस प्लेट के बराबर ये इसकी थ्रॉट थिकनेस है। ऊपर वाला जो एरिया है वो एज ए रेनफोर्समेंट हम उनसे मान लेते हैं, तो इसलिए यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो थिकनेस है वो थ्रॉट थिकनेस कहलाएगी, या वेल्ड की थिकनेस जो है वो है, और ये प्लेट की थिकनेस के बराबर है। इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल वी बट और स्क्वायर बट जॉइंट, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ तनाव स्ट्रेंथ कितना है सिंगल वी बट जॉइंट के लिए, तो दिस यहाँ पर पी लोड, दोनों तरफ टेंसाइल लोड पी लग रहा है, इस तरफ ये पी लोड है टेंसाइल लोड, इधर ये टेंसाइल लोड पी लग रहा है, तो दिस पी लोड इज इक्वल टू थ्रॉट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड। ये जो थ्रॉट थिकनेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये थ्रॉट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ वेल्ड। तो जब इस टी को इस एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, इस जगह पर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है वो आ जाएगा। तो ये हुआ थ्रॉट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड, तो हुआ हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ पर कि टेंसाइल स्ट्रेस कार्य कर रहा है, जबकि लोड पी टेंसाइल लोड इस तरफ और इस साइड में लग रहे हैं। तो उस वक्त ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया है थ्रॉट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड। इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी कार्य कर रहा है, तो इस सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस को हम इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी वेल्डेड मटेरियल की। इस जगह पर ये वेल्डेड मटेरियल जो है उसकी टोटल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, वो ये है थ्रॉट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये तो वही टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है टी इंटू एल इंटू सिग्मा टी, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ लगने वाले लोड टेंसाइल लोड पी के बराबर होनी चाहिए। यदि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ लोड पी से ज़्यादा है तो ये वेल्डिंग जॉइंट जो है वो सर्वाइव करेगा, और यदि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ लगने वाले लोड पी से कम हो जाती है तो ये यहाँ से टूट जाएगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई और लोड ज़्यादा है तो उस केस में ये टूट जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पर टी या एल को बढ़ाना पड़ेगा। अब चूंकि एल फिक्स है, जो प्लेट की चौड़ाई है वो फिक्स है, तो यहाँ पर और ये थिकनेस भी फिक्स है, तो उस केस में हमें इसकी लेंथ या तो लेंथ बढ़ाएं या इसकी थिकनेस बढ़ाएं। तो इस तरह से या तो टी बढ़ाएं या एल बढ़ाएं। तो यहाँ पर यदि हमें टेंसाइल लोड पी मालूम है, वेल्डेड मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम है, और यदि टी थिकनेस ऑफ वेल्ड मालूम है,
तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि उसमें कितनी लंबी वेल्डिंग की आवश्यकता होगी, कि कितनी लंबी वेल्डिंग करनी है, ये जो वेल्डिंग लेंथ है वो कहाँ तक करनी है, ये हमें मालूम पड़ जाएगा। हियर एल इज द लेंथ ऑफ वेल्ड विच इज इक्वल टू जनरली इक्वल टू द विड्थ ऑफ प्लेट एंड सिग्मा टी इज द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ वेल्ड मेटल। ये जो वेल्ड मेटल है इसकी टेंसाइल स्ट्रेस वो सिग्मा टी है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी बट जॉइंट। अभी हमने सिंगल वी बट जॉइंट के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट की और उस पर लोड कितना लग रहा है उसको इक्वेट किया, तो उससे हमें मालूम पड़ा कि लेंथ कितनी लेनी है। अब हम यहाँ देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी बट जॉइंट यदि मोटी प्लेट है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि डबल वी बट जॉइंट बनाएंगे। डबल वी बट जॉइंट में एक वी शेप तो ऊपर होगा और एक वी शेप नीचे होगा प्लेट में, तो इस तरह से, जिसके कारण क्या होता है कि जब ये T1 प्लस T2 थिकनेस जो है प्लेट की उसमें यदि हम एक साइड से यदि वेल्ड करेंगे तो वेल्डेड मटेरियल नीचे तक नहीं जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऊपर से भी वेल्ड कर देते हैं और यहाँ नीचे से भी वेल्ड कर देते हैं, इसको प्लेट को पलट करके और इस साइड से भी हम वेल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की जो थिकनेस है वो T1 है, नीचे वाली थिकनेस T2 है। नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डबल वी बट जॉइंट दैट P इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इंटू L इंटू सिग्मा टी। L इज द लेंथ ऑफ वेल्ड और सिग्मा टी इज द टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द वेल्डेड मटेरियल। तो दिस इज इक्वल टू P इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इंटू L इंटू सिग्मा टी। T1 इज द थ्रेड थिकनेस एट द टॉप और T2 इज द थ्रेड थिकनेस एट द बॉटम। Now minimum size of weld. Now here thickness of plate in mm. Plate की thickness कितनी है, ये plate की thickness कितनी है, this is 3 to 5 mm. यदि ये plate की thickness 3 to 5 mm है तो minimum size of weld 3 mm होगा। यदि plate की thickness 6 to 8 mm है तो minimum size of weld जो है वो 5 mm होगा, और 10 to 16 mm की प्लेट थिकनेस है तो उसमें मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इज 6 mm, और 18 to 24 mm तक की प्लेट थिकनेस है तो उसमें मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड इज 10 mm, और 26 to 56 mm तक की प्लेट थिकनेस है तो उसमें मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड है वो 14 mm का होगा, और यदि 58 mm से ज़्यादा मोटी प्लेट है तो उस केस में मिनिमम साइज, एक तो उसमें हम डबल वी बट जॉइंट यूज करेंगे और दूसरा उसमें मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो होगा वो 20 mm। इसमें रेफरेंसेस हैं एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाय आर एस कुर्मी एंड जगत गुप्ता। थैंक यू।